नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग माई पैसन का हिंदी वर्सन। दोस्तों आज मैं आया हूं कोलकाता के पास मूचीसा में। ये जमुना नर्सरी है। यहां एक अजूबा आपको दिखाऊंगा। एक पेड़ में आपको पांच फलों के पौधे के ग्राफ्टिंग की गई है। ये देखिए काफ़ी सारे पौधे यहां पर। एक स्टार फ्रूट है जिसको कैरम्बुला कहते हैं, यहां पर लगाया हुआ है। इसको कटहल लगाया हुआ है, जैक फ्रूट, यहाँ पर भी कैरम्बुला है। और इधर पाँच पौधे, ये आम का पेड़ है कि ग्राफ्टिंग है। ये देखिए ग्राफ्टिंग का पोर्सन है। और एक एक डाली में एक एक फल के पौधे की ग्राफ्टिंग की गई है। ये अमरूद है, इधर आप आम देख रहे हैं, ये देखिए ग्राफ्टिंग का पोर्शन। इधर पोमेलो है जिसको हम चकोतरा कहते हैं, और इधर ये आम का पेड़ है। इस तरह से एक एक पेड़ में पांच पांच ग्राफ्टिंग की गई है। ये एक अजूबा है। यहाँ पर एक सीजनियम है, ये देखिए पेड़ में। और ये बेंजोनिया है, फाइकस है, उधर फाइकस। ये तरह तरह के जो डिजाइनर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्रूटिंग प्लांट्स है, हर तरह के पौधे। एक एक पेड़ में पांच पांच पौधे की ग्राफ्टिंग की गई है। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं ये, उन्होंने बताया नहीं ये लोग कैसे करते हैं। ये अलग टेक्निक है जहाँ पर एक पौधे को, जैसे फाइकस बेंजोनिया के एक पौधे को, ब्लैक फाइकस बेंजोनिया के पौधे को, इसको स्टॉक बनाया जाता है, इसको सायन, उसमें तरह तरह के पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर करीब 1.5 से 2 हज़ार रुपये इसके प्राइस है यहाँ पर। और ये देखिए ये जो मेन तना है, ये फाइकस बेंजोनिया का मेन तना है, इसके ऊपर ये पौधे को बड़े करके इसको कटिंग करके ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग करने के बाद इसके ऊपर एक रस्सी की, सुतली की एक लेयर दी जाती है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस या किससे इसको मेकअप करके उसको कलर किया जाता है। तो ये एक अलग तरह का डिजाइनर है। ये तो गमले थोड़े प्लास्टिक के गमले हैं। अगर आप चाहते तो इसको अच्छी तरह से गमले में, कोई चीना माटी के गमले में, अच्छे अर्दन पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फल कितना आएगा मुझे पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसका बहुत सुंदर जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।